बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस डिजाइनिंग फेज को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन फेज की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन फेज में डेटाबेस एक फाइल की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है और अब जरूरत होती है उस फाइल को, उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने की। और इसीलिए द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मली रिक्वायर्स अ सर्वर कंप्यूटर, यानी दोस्तों उस डेटाबेस को एक जगह एक ताकतवर कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है, जो कि डेटाबेस को स्टोर करता है। और ऐसे कंप्यूटर को जिसमें डेटाबेस को स्टोर किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, क्योंकि डेटाबेस का असल मकसद डेटा को एक ही वक्त में मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना होता है, इसीलिए द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विल लिंक द थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स द सर्वर, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ना सिर्फ डेटाबेस को सर्वर में स्टोर करता है, बल्कि उन तमाम यूजर्स को भी उन सर्वर्स से कनेक्ट करवाता है हु वांट्स टू शेयर एंड इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, क्योंकि सर्वर में रखे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं और अपना रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। और दोस्तों, क्योंकि तमाम यूजर्स अलग अलग लोकेशंस पर होंगे और ओवर द नेटवर्क उस सर्वर से कनेक्ट होंगे, तो ऐसी सूरत में द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो नीड्स द सर्विसेज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कनेक्ट द यूजर विद द सर्वर। तो दोस्तों, इस पॉइंट से हमें ये पता लगा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का असल काम डेटाबेस से रिलेटेड है, कि डेटा को स्टोर किस तरह से करवाना है, फिर डेटाबेस को सर्वर पर कैसे स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करवाना है। लेकिन जो थाउजेंड ऑफ यूजर्स इस सर्वर से कनेक्ट होते हैं ओवर द नेटवर्क, उन्हें एक नेटवर्क फराहम करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं। और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीपल लिंक्स की मदद से यूजर को सर्वर से कनेक्ट करवाता है, और साथ के साथ यूजर्स आर नॉर्मली गिवन द ऑथराइजेशन डिफाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव मैनेजर्स सो दैट दे कैन परफॉर्म द ऑथराइज्ड टास्क। दोस्तों, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उन यूजर्स की ऑथराइजेशन का भी तायुन करता है, और इसीलिए हर एक यूजर को एक अलग यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, और उन यूजर नेम और पासवर्ड की वेरिफिकेशन के बाद ही यूजर उस नेटवर्क से डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और अपना रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करवा सकता है। और दोस्तों, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट द डेटाबेस सर्वर एंड यूजर्स आर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अपार्ट। और स्टूडेंट्स, क्योंकि सर्वर एक जगह लोकेट होता है और यूजर उस सर्वर से हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, तो ऐसी सूरत में अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डिजाइन टास्क, यानी बड़ी बड़ी वायर्स के जरिए टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बनाए जाते हैं यूजर्स और सर्वर्स के दरमियान, और फिर ये यूजर उन सर्वर्स में रखे डेटा को एक्सेस कर सकता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में हमें सर्वर तो रिक्वायर्ड होता है, साथ के साथ मल्टीपल यूजर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, मगर इन मल्टीपल यूजर्स को सर्वर से कनेक्ट करवाने के लिए हमें मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, विच मींस कि जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम नहीं होता, बल्कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क से रिलेटेड लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना होता है। और दोस्तों, नादरा और क्रिकेट इन्फो जो है इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि नादरा में भी पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों का डाटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस की फॉर्म में मौजूद होता है, और यूजर NIC कार्ड नंबर की मदद से जहां चाहे यानी अलग अलग लोकेशंस के जरिए अपने उस डाटा को वेरीफाई करवा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे इम्प्लीमेंटेशन फेज का इख्तिताम हुआ और साथ के साथ हमारे इस चैप्टर का भी इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।